हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 को सॉल्व करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जितना पढ़ चुके हैं उसका भी यूज होगा और बाकी कुछ नया भी आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक्सिस है, पॉइंट को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, एक्सेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक चीजों से बताता हूँ। सबसे पहले जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो दो एक्सिस से बनता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। तो ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये कहलाती है एक्स एक्सिस, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और एक एक्सिस होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं बाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल एक्सिस बाई एक्सिस कहलाती है। और ये दोनों एक्सिस इस प्लेन को, ये तो प्लेन है पूरा, इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिन्हें कहते हैं हम क्वाड्रेंट। तो ये ईच पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देयर आर फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जैसे हम नंबर लाइन पर स्टार्ट करते हैं जीरो से, राइट हैंड पे जाते हैं प्लस, लेफ्ट हैंड पे जाते हैं माइनस, उसी तरीके से यहां पर ये नंबर हमारे पॉजिटिव चलते हैं यहां से, और इधर चलते हैं माइनस नेगेटिव नंबर। उसी तरीके से हम ऊपर चलते हैं तो प्लस, और नीचे चलते हैं तो माइनस। तो जो माइनस की तरफ जा रहा है उसे हम एक्स डैश कह देते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन, और ये नीचे जा रहा है बाई डैश, नेगेटिव बाई। अब ये दोनों एक्सिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारा ओरिजिन, क्योंकि यहां से ही सभी की उत्पत्ति हुई है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऊपर नीचे, तो ये कहलाएगा ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में। तो एक्स कॉमा वाई ये भी आ सकता है, या एग्जाम में कभी कभी आता है द वैल्यू ऑफ एबेसिसा एंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ये क्या होते हैं, तो इसी पॉइंट को हम बोल देते हैं एबेसिसा, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एंड द वाई इज ऑर्डिनेट। तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट डालेंगे, ये भी आ सकता है कि वैल्यू ऑफ एबेसिसा इज एंड द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट इज, प्लॉट द कोऑर्डिनेट एट द कार्टेशियन प्लेन। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि हमें क्या चीज को क्या क्या बोलना है, वर्टिकल एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, पार्टीशन पॉइंट जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही, वो क्या होते हैं। तो ये यहां पर आके इतना सब कंप्लीट होता है। इसके बाद ये हमारा प्लस, ये हमारा प्लस, एक्स एक्सिस इस साइड में प्लस है, ऊपर वाई एक्सिस प्लस है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस के आते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट। तो प्लस दोनों अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट में होंगे। एक्स हमेशा एक्स वाला पहले ही आएगा, तो एक्स इसमें क्या है माइनस का, वाई क्या है प्लस का। तो अगर माइनस प्लस है तो वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में आते हैं, एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है, मींस माइनस कॉमा माइनस। अगर दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के हैं तो वो आएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आते हैं, एक्स प्लस का है लेकिन वाई माइनस का है। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट पहला प्लस का है दूसरा माइनस का है तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर, इसे आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 पर आते हैं, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन।
किसी दूसरे व्यक्ति को आप कैसे अपने टेबल लैंप पर रखोगे, एक लैंप टेबल लैंप जिस टेबल पर रखा हुआ है उसे कैसे डिस्क्राइब करोगे। मान लिया हमारे पास एक टेबल है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ए बी सी डी, और यहां कहीं बीच में हमारा यहां पर लैंप रखा हुआ है। अब इसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी दूसरे को, तो ये जो टेबल लैंप है वो हमारा, ये जो टेबल की एक्सिस है, अगर हम इसे एक्स और वाई एक्सिस मान लें तो ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। तो ये जो टेबल लैंप है वो इस वाली एक्सिस से कुछ ना कुछ दूरी पर होगा और ये वाई एक्सिस से भी कुछ ना कुछ दूरी पर होगा। तो मान लिया हमने यहां पर ये यहां से 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है पूरा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और यहां से मान लिया हमने ये 30 पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x पर है 40 y पर है 30, तो कोऑर्डिनेट ऑफ टेबल लैंप हो जाएंगे 40, 30। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसका है लैंप ए बी बी एक्स एक्सिस एंड AD, B, Y axis। मान लिया हमने जो AD है वो X axis है, AD है वो Y axis है। अब lamp is कितना मीटर दूर है X axis से, 30 सेंटीमीटर, 30 है ये डिस्टेंस, 30 सेंटीमीटर away from X axis या AD या AB sorry। And, और यहां से कितना दूर है वाई एक्सिस से, वो 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वाई एक्सिस का नाम क्या है एडी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप हो जाएंगे 40, 30। कोऑर्डिनेट आंसर में कुछ भी हो सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने केवल यहाँ पर लैग किया है, आंसर पे ना जाए तो भी आंसर चेंज भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, अ सिटी हैज टू मेन रोड, एक सिटी में दो मेन रोड हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो सिटी के बिल्कुल सेंटर पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। नाउ दीज टू रोड आर अलोंग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मींस एक रोड जा रहा है ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, और एक रोड जा रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, क्लियर। अब इसके बाद लिखा हुआ है ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी आर रन पैरेलल टू दीज रोड्स, ये रोड्स के पैरेलल और स्ट्रीट्स जा रही हैं 200 मीटर अपार्ट, मींस 200-200 मीटर की दूरी पर, और 5 स्ट्रीट हैं हर डायरेक्शन में, इधर भी 5, ऊपर की ओर 5, इधर भी 5, ऊपर की ओर 5, इधर भी 5, नीचे इधर सब तरफ 5-5। तो हमें यहां पर दिखाना है कि 1 सेंटीमीटर में लेना है 200 मीटर, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर में आप 200 मीटर लेंगे, मींस यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 200, फिर 400, इसके बाद 600, फिर 800, फिर 1000, 5 स्ट्रीट हो जाएगी, उसी तरीके से ऊपर भी लेना है, तो ये हो गया 200, 400, 600, 800 एंड 1000। 5 स्ट्रीट के बाद ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, तो हमें यहां पर स्ट्रीट और रोड्स को दिखाना है, ये हमने रोड शो कर दिए, 5 स्ट्रीट जा रही है इस डायरेक्शन में, 5 स्ट्रीट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो बनाते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 स्ट्रीट हो गए हमारी नॉर्थ साउथ के पैरेलल, अब ईस्ट वेस्ट के पैरेलल बनाएंगे, 1 ये हो जाएगी सेकंड स्ट्रीट, ये हो गई थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट और ऊपर फिफ्थ स्ट्रीट, दोनों साइड में 5-5 स्ट्रीट जा रही है और आपस में 200 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने मॉडल बना दिया यहां पर,
आगे दिया हुआ है देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, तो बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट है जो एक दूसरे क्रॉस कर रही है हर एक पॉइंट पर. तो अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, मतलब दो स्ट्रीट से मिलकर बन रहा है क्रॉस स्ट्रीट. वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट जो है वो एंड फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ स्ट्रीट, ये सेकंड और ये फिफ्थ, तो एक दूसरे पर कर रहे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2.5, x पे 2 और y पे 5, तो वो ब्लैक कोऑर्डिनेट 2.5. तो यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड द हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4.3, तो 4.3 के लिए कौन सा हो जाएगा, मींस x एक्सिस पर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी 4 और फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आ जाएगा 4.3. क्लियर. इसके बाद हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू 3.4, 3.4, तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.4, तो ये दोनों स्ट्रीट आ जाएंगे 4.3 एंड 3.4 के क्रॉस. तो 4.3 एंड 3.4 केवल यूनिक हो सकती हैं, क्योंकि 4.3 हम दूसरी नहीं बना सकते, क्योंकि 4 पर ये रोड जा रही है, 3 पर ये रोड जा रही है, एक ही जगह क्रॉस कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा नहीं स्ट्रीट हो सकती क्रॉस स्ट्रीट, इसी तरीके से 3.4 भी नहीं हो सकते. तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ.